गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के शुभारंभ अवसर पर छात्र एवं छात्राओं का एडीजी मंडलायुक्त सहित जिले के अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब दिया। इस दौरान छात्रों ने खुलकर अधिकारियों से अपने सवाल किए तथा अधिकारियों ने भी खुलकर उनके सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी डीआईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य अधिकारियों ने अपने अनुभव को छात्रों से साझा किया और छात्रों को अच्छे से तैयारी कर आगे बढ़ने की सलाह दी। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी के द्वारा प्रदेश के अभ्युदय योजना शुरू होने पर छात्रों को बधाई दी तथा कहा कि यह योजना गरीब निर्धन छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं कि देश के युवाओं और देश के भविष्य के बारे में सोच रही है। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी डीआईजी राजेश डी मोदक, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, एसडीएम खजनी अनुज मलिक, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मैंने अपना बीटेक किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए से, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी जिन्होंने कल मुझसे यहाँ आने का अनुरोध किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने आऊं और आपसे वार्ता करूं। इस योजना के बारे में जितना कम कहा जाए वो अच्छा है। जो भी बहुत अच्छी सोच मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा है, एक ऐसा विषय और ऐसे चीज पर उन्होंने फोकस किया है जो कि गरीब घर के बच्चे, अंडर प्रिविलेज छात्र और जिनके पास खास करके संसाधनों की कमी रहती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, वो उन्होंने उपलब्ध कराया। ये बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी एग्जाम्स के। वैसे तो हम लोग, मैं कहूँगा आउटडेटेड है हमारे, हमने तो बहुत पुराने समय में एग्जाम्स दिए हैं। हमारे पास तीन अभी मैं मिला था यंगस्टर्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करिए जो अभी हमारे सीईओ साहब और तीन अफसर और हैं, दो आईएएस अफसर हैं, एक आईपीएस अफसर हैं, जो पिछले 3-4 सालों में परीक्षाओं को दिए हैं, वो आपको इसके रणनीति के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे। बट कुछ चीज़ें हैं हम जो अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि 4 चीज़ मुझे लगती है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए। वह होती है कि नंबर 1 आपकी इच्छा शक्ति, कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। फिर आएगा आपका परिश्रम, क्या उस इच्छा शक्ति के साथ आप परिश्रम कर पाएंगे। तीसरी चीज होती है कि इन दोनों के बाद ये एग्जाम्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आप किताब एक तरफ से ऐसे ही पढ़ने लगेंगे तो आप उस समुद्र में डूब जाएंगे। तो तीसरी चीज मुझे लगती है वो होती है स्ट्रैटेजी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिस विषय में मैं अगेन कहूंगा, हमारे जो तीन यंगस्टर्स हैं उनसे बात करिए, स्ट्रैटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन एग्जाम्स का। और चौथी चीज थी कि भाई सब कुछ होने के बाद क्या संसाधन उपलब्ध है, क्या पढ़ना है, उसमें सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या हो सकती है, किताब क्या हो सकता है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद एक्सेस टू जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है वो मिसिंग है। जिलाधिकारी और आईजी साहब विद्वान है, और उस हम सबसे ज्यादा विद्वान जो नीचे लड़के बैठे हैं वो हमसे भी आगे विद्वान है। तो मैं अनुरोध करूंगा, यू कैन आस्क क्वेश्चन और जो बेस्ट आंसर होगा वो सभी लोग दे देंगे। सर मेरा सवाल ये है कि परीक्षा नजदीक आते समय हमारे कोई प्रेशर बढ़ जाता है, सर बिना प्रेशर के हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि उस चीज का सिलेबस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएस में अगर 4 पेपर्स आते हैं तो पेपर 1 में मुझे पढ़ना कितना है। और जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास टाइम अवेलेबल कितना है और आखिरी में जिस दिन मुझे एग्जाम देना है तो उस दिन मुझे रिप्रोड्यूस क्या करना है, उन सवालों के जवाब क्या देने हैं। वो जवाब देने के लिए ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपने फॉर एग्जाम्पल अगले मार्च में परीक्षा है और आज मैं इस मार्च में पढ़ रहा हूँ तो वो चीज डेफिनेटली अगले मार्च में मैं भूल जाऊंगा। ये सभी के साथ होता है।
कि आप एक साल तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये है आपका एग्जाम प्रेशर कि आपने मार्च में कुछ पढ़ा, फिर जुलाई में कुछ पढ़ा, अक्टूबर में कुछ पढ़ा और वो रिवाइज नहीं कर पाया और एग्जाम में वो यूज नहीं हो पाया और उस एग्जाम के 10 दिन पहले आपको वो प्रेशर आता है कि आज मैंने जो सब भी पढ़ा, जितना भी हार्डवर्क किया, आज मुझे याद नहीं है तो मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा। ये है आपका प्रेशर, ये है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर जिसको कि आपको दूर करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको एक ऑप्टिमम, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है कि एक मेरे पास डिफाइंड टाइम है, इस टाइम में, इस महीने में, इस दिन में, इस घंटे में मुझे क्या करना है। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, और इसी तरीके से आपके पास एक माइक्रो चार्ट रहना चाहिए, एक प्लान रहना चाहिए कि नेक्स्ट मार्च के अंदर मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये टॉपिक रिवाइज करना है। और इस तरीके से एक एक करके जब सारे चैप्टर, सारा सिलेबस आप माइक्रो चार्ट में बना लेंगे, आपके पास एक टाइमलाइन रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपको उस नेक्स्ट एग्जाम से पहले कोई प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि आप कर चुके हैं। इसी तरीके से आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कल से जो क्लासेस शुरू हो रही है इसमें हम यही तरीके के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं सभी बच्चों को, हम भी हमारे टाइम में ये सब चीज़ फेस किए हैं। तो कल आप सभी लोगों का वेलकम है, आप लोग आइए और ये और अन्य कई सवाल जो भी आपके रहेंगे हम एड्रेस करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में उपस्थित एडीजी जोन सर, गोरखपुर रेंज के आईजी साहब, जिलाधिकारी गोरखपुर, सीईओ गोरखपुर साहब, अपर आयुक्त प्रशासन, अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण और सब महत्वपूर्ण इस योजना से इस प्रदेश का, अपने जनपद का और अपने परिवार का नाम उज्ज्वल करने की कामना करने वाले छात्र छात्राएं, आपने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन और संबोधन आप सुन चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा योजना के बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन गोरखपुर कमिश्नर होने के नाते मैं फिर भी दो तीन चीज़ें इस योजना के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। और इससे पहले कि ये योजना क्या है, ये योजना क्या नहीं है, ये स्पष्ट शब्दों में बता देना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, ये कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं है। ये कहीं भी कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए कि इससे कोई आपको स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, इस योजना के अंतर्गत आ जाने से आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। और ये क्लियरिटी शुरुआत से रहती है, रूल्स गेम के शुरुआत से क्लियर रहते हैं तो गेम बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होता है। और यदि प्रोसेस ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होती है तो आउटकम अच्छा होता ही है। सो बेसिकली नंबर वन, ये कोई फाइनेंशियल पैकेज या फाइनेंशियल या स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट की स्कीम नहीं है। नंबर दो, आप सभी स्नातक या स्नातकोत्तर या एमएससी मास्टर्स करके आए हैं, इसलिए इस योजना में आपको जो पाठ्यदान होगा या जो टीचिंग इम्पार्ट होगी वो ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए और जो एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, जो विश्लेषणात्मक आपकी दृष्टि होनी चाहिए इन एग्जाम्स के प्रति वो कैसे रहे। सो इसमें ये नहीं है कि सपोज मैं राजनीति शास्त्र से हूँ या दर्शन शास्त्र से हूँ, मैं आपको कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में हम लुड्विग विट्गेंस्टीन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद कांट भी डिस्कस हो रहा है, कांट की पूरी क्लासेस चल रही हैं, इमैनुअल कांट के बाद में हम हीगल की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। यदि हीगल का एडमिशन कांट से कैसे डिफर करता है और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं और उसमें हमारी फैकल्टीज जो भी रहेंगे वो करेंगे। दूसरा, अब ये स्कीम क्या है, पहली चीज मैंने बताई कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एनालिटिकल अप्रोच पर बहुत ध्यान देने का प्रयास करेंगे। संख्यात्मक जाने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती, मुझे लगता है कि हम कुछ लोगों को जो वाकई में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बड़ा सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, एडीजी जोन साहब सबसे सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं, वो एग्री करेंगे कि सैलरी पैकेज के हिसाब से आपका प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा है। मुझे लगता है सारे अधिकारीगण जो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के यहाँ बैठे हैं उनके मन में सैलरी नहीं बट राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, कुछ अपने परिवार, गांव, शहर, अंचल जहां से वो आए हैं उसका नाम करने की कामना रही है। और यदि वो कामना आप में भी है तो आप यहां पर, यूपी, मैं सिविल सर्विसेज की प्राइमरी बात कर रहा हूं, तो आपका वहां पर स्वागत है।
सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसा हम सब जानते हैं ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पेशेंस की अधिक जरूरत पड़ती है, हो सकता है कि इसमें कुछ विफलताएं भी आए लेकिन इसमें हमें अपना पेशेंस बना के रखना पड़ता है, तो सर उसके लिए अगर आप कुछ टिप्स हम सबसे साझा कर सकें विद्यार्थियों से तो हम आपकी। अभी मैंने आपको एडिशन की बात बताई, बल्ब का आविष्कार करना, और मैं आपको बता रहा हूँ आज हमें लगता है कि बल्ब का आविष्कार इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्ब का आविष्कार एक गेम चेंजिंग था पूरे साइंस के हिस्ट्री में। जॉन राइट, राइट ब्रदर्स जो आज हम एरोप्लेन कहते हैं, राइट ब्रदर जो जॉन राइट थे, राइट ब्रदर जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, उनके बड़े भाई का बैक टूट गया था बिकॉज वो उन्होंने प्लेन पर चढ़ा दिया, वो उड़ा नहीं और नीचे गिर गया। सो मेरा कहना ये है कि आप एडिशन से सीख सकते हैं यदि आपको सीखना है। अगर आपको वो लगन नहीं है, चाहे वो जो भी एग्जाम आप अपीयर कर रहे हो, आपको वो लगन दिखानी पड़ेगी। मैं अभी रिसेंटली बहुत ही नए बैच के एक आईएएस ऑफिसर की माता जी से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं की बेटा जीवन में, लेकिन जब मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो वो न्यूज़पेपर पे टिक कर देते थे और मैं वो काट के रखती थी, उसकी फाइल बनाती थी, और जब शाम में उनको टाइम मिलता था तो वो फाइल उनको देती थी कि बेटा तुमने आज ये लीक किया था, इसको रिवाइज करो। आप देखिए जो माता ने ज्यादा एजुकेशन नहीं किया हो उनको कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का। वो इसलिए था कि उन्होंने देखा कि अपने बेटे में इतनी प्रतिभा है कि मुझे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने जो प्रिपरेशन किया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97 बैच के मेरे बड़े भाई है आईपीएस, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने इतना प्रिपेयर किया है, ये नोट्स मेरे हैं, आप ले लो प्रिपेयर करो। तो मेरे जीवन में मेरी माता का बहुत इम्पोर्टेंस है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी माँ ने कहा बेटा तुझे जीवन भर अपने भाई का कोई भी किताब यूज नहीं किया, तो अपने तरीके से पढ़ना, किसी ने भी बनाए हुए रास्ते पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अपनी मंजिल खुद बनाओ। एंड दैट वाज द गाइडिंग लाइन फॉर मी। तो मैं फिर से ये कहूंगा सभी को जो यहाँ पर है उपस्थित कि मोटिवेशन का लेवल आपका इतना ऊंचा होना चाहिए तो आप कोई भी, जैसे कमिश्नर साहब ने कहा, डीडीजी जोन साहब ने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई, लेकिन आपका जो मोटिवेशन लेवल है वही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। हम लोग का जो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ तो 10-15 साल पहले हम लोग तैयारी के समय में हम लोग उधर बैठ करके ये जो प्रश्न आप पूछ रहे थे हम लोग भी उठा रहे थे, हम इधर आ गए। आपको भी वक्त मिलेगा इधर आने के लिए, जरूर आ जाएंगे, मैं स्वागत करता हूँ आपको। जो मोटे मोटे चीज तो मेरा पूर्वजों ने, सीनियर साहब ने बता दिया, सीएम साहब ने बताया, बहुत लंबा चल रहा है सेशन। दो तीन जो मेरा अनुभव से मैं शेयर करने चाहता हूँ। जो पहला सीख है ये कंपेरेटिव एग्जाम जो कहते हैं, ये देखिए लड़ाई है ना, ये किसी दूसरे से नहीं है, अंदर से है, यानी कंपटीटर हम लोग का अंदर से है। पहला नंबर वन ये देखना है, मन में रखना है, हमेशा महसूस करते हैं तो पड़ोसी जो बैठे हैं वो हमसे ज्यादा मार्क पा लेता फिर मैं हार जाऊंगा, और जो दूसरे शहर में मान लीजिए मुंबई दिल्ली में बैठ कोई तैयारी कर रहा हमसे बेहतर कर लेता तो फिर मेरा कट ऑफ मार्क कम हो जाएगा तो फिर मैं पार नहीं करूंगा। ये भ्रम है, ये गलत है, ताकि देखिए एक इंसान का जो अंदर का जो एक पैरामीटर है ना, एक अच्छा फिक्स कर लीजिए, ऊंचाई होना चाहिए था बहुत अच्छा जो पैरामीटर था कि आपसे बेहतर जज कोई है नहीं दुनिया में, आप तो बेहतर पता है आप किसी लायक हो और कहां से आपको खुशियां मिलेगी, तो आपका अंदर का आत्मा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो खुद बता देती है, और उसके बाद फिर आपका दिशा उसी दिशा पे जाएगी ताकि अटेंशन नेचुरली उसी दिशा पे आ जाएगा। आप लोग इसलिए अतिरिक्त है ताकि ये अंदर का एप्टीट्यूड कहते हैं उसको, ये जो चाहत होता है अंदर है आपका, अंदर किसी चीज का, वो आपको ढूंढ के यहाँ लाएगा। और जो कि कंपटीशन हमेशा अंदर ही होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भले किसी भी स्पोर्ट्समैन से आप पूछेंगे भाई तो आपका कंपटीटर कौन है, आसपा पवन ले लो, हुसैन बोल्ट ले लो,
जो फास्टेस्ट मैन है वो कहता था मेरा कंपेटिटर मैं हूँ खुद, मेरा तो 9.2 है, मैं अभी 8 के नीचे लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो भी आप बुद्धिजीवी बुद्धा से भी पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा, मेरा कंपेटिटर अंदर है, हमारा चाहत तो अंदर है, मैं तो तब मुझे जीतूंगा फिर तो दुनिया अपने आप तो फिर लाइन पे आ जाए। देखिये नंबर वन ये है दिल में रखना है आपको, कंपेटिटर पड़ोस से नहीं है, अपने जो कमजोरियां हैं उसको दूर कराते हुए आना है, धीरे धीरे अपने कमजोरियां खत्म कर देते हैं, अपने ही एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं हो, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं हो, किसी मैथमेटिक्स में कमजोर हो, ये सारे चीज आपसे बेहतर कोई जान नहीं पाए, उसी पे एक्स्ट्रा अटेंशन करा दीजिए, एक्स्ट्रा फोकस कर दीजिए, आपने एक लेवल में लाए अपने आप जीत लेंगे उस पर। देखिए मैं ही तो उदाहरण हूँ, बहुत सारे चीज मेरा अनुभव से है, मैं तो लास्ट बेंचर है, मैं तो तब टेंथ तक मेरे पापा ने नहीं सोचा मैं पास करूंगा, तो लास्ट बेंच भाई था मैं, और तब मैं टेंथ पास किया तो मेरे पापा ने रो पड़े हैं स्कूल में आकर, मेरा भाई तो मेरा लड़का तो टेंथ पास कर लिया, उसके बाद मुझे डर गया था टेंथ तो पास कर लिया तो आगे तो पास नहीं करूंगा, पर हमने कामर्स ग्रुप ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइंस वाइंस तो मेरा बस का नहीं, तो चलो तो कैसे पापा ने कुछ हो गए तो ठीक है, तो उस समय अच्छा मार्क 80% था, फिर भी तो सारे स्कूल वाले तो तुम्हारा मार्क तो अच्छा है, फर्स्ट ग्रुप ले लो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओ, मैं तो फिर पता ना ना मैं तो कुछ बनूंगा, फिर पहले मुझे कामर्स ग्रुप दे दीजिए, मुझे काम शुरू होने के बाद तो उसी क्लास में पूरे इस क्लास में हमें तो सबसे अच्छा पढ़ने वाले लड़के में भी नहीं जाएंगे, पहले तो हम लास्ट बेंचर था, फिर तो मुझे लाए भाव तो तुम ही तो अच्छा मार्क लाए तो तुम ही क्लास लीडर है, कुछ बनाओ कराओ, फिर उसके धीरे धीरे तो फिर मन लग गया कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स में, फिर उस पर थोड़ा फिर मजबूरन पढ़ना पड़ा था कि सभी लोग बता दिया तू अच्छा पढ़ने वाले लड़का है। मुझे भी तो मजा आने लगा, तो ठीक है यार थोड़ा आसानी रहता था कि तो कामर्स ग्रुप तो बहुत हल्का रहता है, बहुत इजी रहता है, थोड़ा साइंटिफिकली जाने की जरूरत नहीं था। हमने क्या किया ना उस समय का 12th टॉपर है उनका जो किताब में उनका फोटो वोटो छपता है उसी का हमने बाइंडिंग का जो किताब का है ना फ्रंट पेज में रखता हूँ हमेशा, उसी के बाइंड करा के देखता हूँ मेरा किसी दिन मेरा भी छपेगा उसी टाइम, तो तब से पढ़ाई शुरू हुआ है 11th 12th में। तो 12th में मैं 3 सब्जेक्ट में 100 out of 100 था, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था उस समय में, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था चलो तो यार तो कुछ पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा, हो भी गया उसके बाद तो कौन सी चुनना है, तो फिर मुझे ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, और उस समय में नजदीक में आर्ट्स एंड स्कूल है, मेरे पापा ने बताया तुम्हारा बड़ी बहन भी वहां पढ़ रही तुम जाकर के उस पर कुछ कोर्स सेलेक्ट करो, मेरा पास तो कॉमर्स की बात तो बीकॉम नहीं तो बीए नहीं तो बीबीए, तो बीबीए अच्छा लग रहा था एमबीए बीबीए, तो इसलिए तो फिर हमने बीबीए ले लिया, चलो बीबीए पढ़ ले। मैं करेंगे बहुत शानदार योजना, एक ऐसा योजना जितनी दूरदर्शी है, खास करके जो निर्धन और संसाधनहीन छात्र हैं उनके पास ये इसका लाभ मिलेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के सर्वोच्च एग्जाम में कम्पीट करने के लिए रेडी होंगे। बहुत दूरदर्शी सोच है, मैं बधाई देना चाहता हूँ राज्य सरकार को, बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को जो इस योजना को सोचा और उसको क्रियान्वयन किया।